नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक के ऊपर, क्योंकि जब मार्केट ओपन हुआ, आज का दिन का जब मार्केट ओपन हुआ, तब मार्केट मतलब बुरी तरीके से आज क्रैश हो गया। और देखा जाए तो अराउंड अराउंड सेंसेक्स 600 पॉइंट के आसपास क्रैश हो चुके थे। तो इस तरीके से गिरावट के पीछे कारण कौन सा है? और मैं पिछले दिनों में भी एक वीडियो मतलब ले आने वाले थे कि मार्केट इस लेवल से मतलब रिकवरी कर सकते हैं, मतलब फिर से मार्केट क्रैश हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आज उसी के ऊपर बात करूंगा। मैं पिछले दिनों में वीडियो नहीं बना पाया, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। और हाँ, आपने आज के दिन का जो मार्केट जब ओपन हुआ, उसके बाद हमारा टेलीग्राम के ग्रुप में आपको बैंक निफ्टी का ऑप्शंस का पुट का बाय दिया था, और जो लेवल था वहां से किस तरीके से लेवल में जंप किया, आप एक बार जाकर देख सकते हैं। मैं इसीलिए आपको बार बार बोलता हूँ, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। देखिए, मैं काम कर लेकिन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये जो चैनल है वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर के लिए है। हाँ, मैं फ्यूचर में मैं ट्रेडर के लिए भी वीडियो बनाऊंगा, मगर देखिए एक अंदाजा आपको मिल जाता है अगर आपको मौका मिले। देखिए, कभी भी मौका मिले तो उसको मौके में चौका मारना चाहिए, ये बात तो आपने सुने होंगे। तो मौका मिल रहा है तो उसके मौके के हिसाब से फायदा लीजिए। तो कौन सा वो कारण है जिसके लिए आज मार्केट इतने बड़े रिकवरी हुआ है, इतने बड़े क्रैश हुआ है? क्योंकि मार्केट जिस तरीके से रैली में चल रहा था, उस रैली को रिटेस्ट किया, और इस रिटेस्ट के पीछे कारण कौन सा है? तो चलो, मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ, तो एक एक करके देना मतलब देखना, स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा, फ्यूचर में भी इस तरीके से सिचुएशन आए तो आपको एक खुद एनालिसिस करने का मौका मिलेगा कि एक्चुअली कंपनी में क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहले जो डेटा मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है एफआईएस और डीएस के डेटा। मतलब एफआईएस और डीएस ने इस वीक में किस तरीके से बाइंग या सेलिंग किया, वो मैं आपको सबसे पहले दिखाने वाला हूँ। तो मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ। 1 अगस्त से आप देखा जाए तो ये जो रिपोर्ट है, यहाँ पे मैं मार्किंग कर दे रहा हूँ कि यहाँ का जो रिपोर्ट है ये डीएस के है, डीआईआईएस मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के, और यहाँ पे कौन सा है FIS, तो फॉरेन इन्वेस्टर के। जो फॉरेन इन्वेस्टर जिस तरीके से माल बेच रहा था, उसके हिसाब से देखा जाए तो फिर से लगातार बाइंग हो रहा है। और आप खुद ही देखिए, 1 अगस्त से आप देखेंगे तो लगातार बाई होते जा रहा है, मतलब लगातार वो बाई करते जा रहा है। और सेम टू सेम उसी टाइम में लगातार सेल भी हो रहा है, कुछ छोटा मोटा सेल हो रहा है FIS और DIS के माध्यम से। तो कंटिन्यू बाई हो मतलब यहाँ पे हो रहा था पिछले दिनों में, मतलब 18 अगस्त में। फिर से एक बार माफी चाहना मतलब चाहता हूँ कि एक्चुअली तो पिछले दिनों से ही एक अंदाजा लग गया था कि मार्केट रिकवरी होने वाला है। क्यों रिकवरी होने वाला है? देखिए, यहाँ पे जो FIS है वो लगातार बाइंग कर रहे थे, तो पिछले दिनों में 18 अगस्त में क्यों सेलिंग किया? यहाँ पे सेलिंग का परसेंटेज देखिए, और बाइंग मतलब DIS ने बाइंग किया और FIS ने ज्यादा से ज्यादा सेल किया। देखिए, ऐसे नहीं कि FIS ने बाई नहीं किया, तो टोटल बाई सेल मिलाकर उसके जो फिगरेशन यहाँ पे आया तो टोटली सेलिंग है। इस सेलिंग के पीछे मेन रीजन कौन सा है, कौन सा वो रीजन है, वो आपको अभी मैं आज जो 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 चीज मैं आपको सिखाऊंगा, वो अगर आप फ्यूचर में भी इस तरीके से स्टडी करेंगे तो आपको मौका मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा इस तरीके से क्रैश मार्केट में पैसा कमाने का। तो चलो, आप देखते हैं कि एक चीज तो मैं आपको बता दिया कि पिछले दिनों से ही एक अंदाजा लग गया था कि मार्केट में क्रैश मतलब रिकवरी होने वाला है, तो क्योंकि लगातार बाइंग हो रहा था और पहले से ही सेल करना स्टार्ट कर दिया FIS ने। तो चलो, मैं दिखा देता हूँ पिछले दिनों में क्या बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट में कुछ प्रेशर था, बिल्कुल भी नहीं। आप देखेंगे तो यहाँ पे चलो मैं इंडाइसेस को आपको दिखा देता हूँ, मतलब जो डॉलर इंडाइसेस है। तो यहाँ पे देखिए, छोटा मोटा यहाँ पे तेजी आया आज के दिन, पिछले दिनों में उतना तेजी नहीं था, तो छोटा मोटा करेक्शन यहाँ पे मतलब तेजी आया। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट जो बहुत ज्यादा क्रैश होना था ये था, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तो देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स उस तरीके से नहीं ग्रोथ हुआ। तो आप क्रूड ऑयल का प्राइस देखेंगे तो क्रूड ऑयल का प्राइस भी आप देखेंगे तो 95 है, चलो अच्छी बात है, क्रूड ऑयल का प्राइस गिर चुके हैं। और तीसरी बात आप देखेंगे तो आज के दिन मार्केट गिरने का जो मेन रीजन है वो ग्लोबल मार्केट नहीं था। आप अगर डाउ जोन्स भी देखेंगे, तो मैं डाउ जोन्स भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं डाउ जोन्स पिछले दिनों में तो मार्केट ओपन होने के बाद क्रैश हुआ था, मगर जब क्लोजिंग हुआ तब पिछले दिनों का जो रिपोर्ट है वो एक्चुअली क्लोजिंग हुआ, ऑब्वियसली एक मतलब पॉजिटिवली क्लोजिंग हुआ। तो सारे के सारे चीज पॉजिटिव होने के बाद भी FIS ने माल बेचना क्यों स्टार्ट किया? तो FIS ने माल बेचना इसी एफ आई
सॉरी FIIs ने माल बेचना स्टार्ट इसीलिए किया कि एक लेवल है। देखिए साइकोलॉजिकली टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से आज मैं दिखाऊंगा कि साइकोलॉजिकली लोग कौन सा लेवल को एक स्ट्रॉन्ग लेवल मानता है, जो लेवल से रीटेस्ट करके स्टॉक गिर भी सकता है, स्टॉक भाग भी सकता है। तो चलो मैं उसी के ऊपर आज बात करूंगा। तो उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैं और भी दे देता हूँ। जैसे आपको पहले क्या देखना है, देखिए आज अगर निफ्टी फिफ्टी देखेंगे तो आज निफ्टी फिफ्टी देखेंगे तो जितने सारे आज मतलब एडवांस है, कुछ ही एडवांस कंपनी है ज़्यादा से ज़्यादा डिक्लाइन है। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक में आज गिरावट हुआ। उसके पीछे सिंपल लॉजिक है, वो लॉजिक मैं अभी आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कंपनी जैसे अदानी पोर्ट्स, जो मैं पहले दिनों में आपको वीडियो बना के दिया था कि अदानी पोर्ट्स भागने वाला है। तो मैं कोई देखिए मैं कोई ट्रेडर के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, इन्वेस्टर के लिए है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया तो इसलिए मैं इस वीडियो को आपके सामने लेकर आया। तो देखिए LT जो लार्सन टुब्रो, एचआर मोटर, इंफोसिस, SLTech, तो IT सेक्टर एक मतलब पॉजिटिव में है। बाकी अब देखेंगे तो इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, अपोलो सॉफ्ट, टाटा मोटर्स, NTPC, तो देखा जाए तो फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर ज्यादा से ज्यादा आज के दिन पीटे हुए हैं। तो एक बार इंडाइसेस के हिसाब से भी दिखा देता हूँ। देखिए आप देखेंगे, चलो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ बैंक सेक्टर। तो बैंक सेक्टर कितना 1.46% गिर चुके हैं। PUC बैंक सबसे ज्यादा पीटे हुए बैंक है आज, PUC सेक्टर। PUC बैंक का जितने सारे बैंक आप सभी जानते हैं, PUC मतलब SBI है, PNB है, मतलब यूनियन बैंक है, यूनाइटेड बैंक है, इंडसइंड, सॉरी माफी चाहता हूँ, इंडसइंड नहीं है, इंडियन बैंक है। तो इस तरीके से बैंक PSU बैंक है, तो उसमें सबसे ज्यादा सेलिंग देखने को मिला। और प्राइवेट बैंक में भी आज सेलिंग देखने को मिला 1.50, और निफ्टी रियलिटी में देखिए 1.96% का सेलिंग। देखिए IT सेक्टर आज स्ट्रॉन्ग है, मीडिया सेक्टर आज स्ट्रॉन्ग है, इसमें दोनों ही पॉजिटिव में था। तो ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो आज के दिन सेलिंग होने के पीछे कोई रीजन नहीं है कि ऐसे स्टॉक मार्केट गिर गया। आपको लग रहा है कि फिर से क्या रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध बड़ा हो गया कि दूसरे कोई कंट्रीज के ऊपर इम्पैक्ट आ गया, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि आज के दिन का स्टॉक का गिरने का जो मेन रीजन है, चलो मैं उसके ऊपर अभी आपको लेके जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न आज को मैं आज दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे एक लेवल है जो मैं आपके सामने ट्रैक करके रखा, यहाँ पे जो लेवल है वो लेवल है 18,000 का लेवल, वो किसका, निफ्टी का। तो निफ्टी का 18,000 का जो लेवल है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल माना जाता है, जो लेवल टच करने से पहले ही और टच करने के बाद स्टॉक री बैक कर सकता था। तो मेरे अंदाजा ठीक ठाक ही था, और मेरे ग्रुप ने आपको टेलीग्राम में कॉल भी दिया पुट का, और आपने जाकर बैंक निफ्टी का पुट देख सकते हैं कितना जबरदस्त आज के दिन प्रॉफिट दिया है। तो आपको मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। आपको काम करना है नहीं करना है फिर भी आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज सीखने को जानने को मिलेगा। अब देखिए स्टॉक में किस तरीके से यहाँ पे क्रैश हुआ, पिछले दिनों का जो लो था, ये जो लो लेवल था उसको भी क्रैश कर चुके थे और किस लगातार गिरते गए। देखिए ये जो क्रैश के जो पीछे जो मान कारण है, मैं एक बार आपको वन डे कैंडल चार्ट पैटर्न भी ओपन करके दिखा देता हूँ। हाँ चलो मैं छोटा कर दे थोड़ा सा। अब देखिए एक मैं ट्रेंड आपको ड्रॉ करके दिया, यहाँ पे जो ट्रेंड है ये ट्रेंड देखिए, यहाँ पे जो हाई क्या था, लाइफ टाइम का जो हाई था निफ्टी का करीबन 18,600 का, तो उस लेवल से देखा जाए तो कंपनी ने यहाँ पे टच करके यहाँ पे बैक आया, उसके बाद फिर से रिटेस्ट करने के लिए गया। और यहाँ पे जो लेवल है यहाँ पे कितना 18,200, मतलब 18,200 का लेवल था, और फिर से यहाँ पे रिटेस्ट किया और उसके बाद बैक में आया, फिर से जाकर एक बार टच किया। और यहाँ पे जो लेवल था करीबन करीबन 18,000, मतलब 18,000 का लेवल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल था। तो इस स्ट्रॉन्ग लेवल को तोड़ने के लिए बहुत कंपनी मतलब एमटी को बहुत प्रेशर देना चाहिए था, मतलब बहुत प्रेशर होना चाहिए था। तो उस प्रेशर को देखिए कुछ दिनों में लगातार लगातार बाइंग होते गया, लगातार बाइंग होते गए, और स्टॉक में मेरे एक अंदाजा था कि ये जो लेवल है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल है, इस स्ट्रॉन्ग लेवल को तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लेवल तोड़ने के लिए थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे रहेंगे। तो अभी देखना है निफ्टी यहाँ पे जो सपोर्ट सॉरी जो रेजिस्टेंस लिया है, तो वो रेजिस्टेंस को तोड़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, कि फिर से वो इस तरीके से फिर से गिरावट होगा जो पहले भी तीन तीन बार हो चुके हैं, एक बार, दो बार, तीन बार। तो मुझे लगता है तीन बार अगर रिटेस्ट किया कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडाइसेस, तो उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो एक बार तोड़ेंगे तो फिर से नया हाई देखने को मिल सकता था, तो मतलब मिल सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी सेम टू सेम, आप बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में आज बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला। हमारा जो टेलीग्राम में कॉल था तो इस लेवल से सेल आउट दिया गया था, और इसके बाद देखिए किस तरीके से क्रैश हुआ। तो मेरे कहने का मतलब है आज कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं था मार्केट के लिए कि चलो मार्केट में आज कुछ भी नेगेटिव पॉइंट्स था इसलिए मार्केट गिरा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। देखिए एक लेवल हमेशा एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होता है,
और बैंक निफ्टी का जो लेवल था, एक्चुअली बैंक निफ्टी का जो लेवल था 4,000 का लेवल, तो सॉरी माफी चाहता हूँ, 40,000 का लेवल, तो ये लेवल भी बहुत स्ट्रांग है। तो इस लेवल को तोड़ने के लिए भी मतलब बैंक को बहुत प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये जो जब भी कोई भी देखिए, कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जब कोई भी साइकोलॉजिकल कोई राउंड फिगर के होते हैं, जैसे 40,000, 30,000, 35,000, तो ये जो लेवल होता है ना, जैसे निफ्टी 18,000, 17,000, 17,500, तो इस ये जो लेवल है, इस लेवल को एक साइकोलॉजिकल लेवल माना जाता है। जिस लेवल को टच करके रीबैक कर सकते हैं, जिस लेवल को तोड़ने के बाद नया मोमेंटम, नया हाई देखने को मिल सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर इस तरीके से लेवल कभी भी टच कर रहा है, तो आप एक बार उस लेवल से आप एक बार खेल सकते हैं, एक बार आप उसके ऊपर नॉलेज लेकर कुछ कर सकते हैं। तो आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि कल जाकर ट्रेडिंग कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो इसलिए वो ट्रेडिंग का कॉल देते हैं। तो आपको भी सीखना है, जानना है, तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, तो जाकर एक बार ज्वाइन हो जाना। तो आज का यही था मेन लॉजिक। एक्चुअली साइकोलॉजिकली देखा जाए तो निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी सारे के सारे इसीलिए आज के दिन स्टॉक में इस तरीके से हलचल देखने को मिला। तो कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है मार्केट में कि चलो मार्केट में नेगेटिव पॉइंट है इसलिए स्टॉक में गिरा। मैं पहले भी आपको डाउ जोन्स दिखाया और वर्ल्ड मार्केट भी आपको दिखा दिया, तो चलो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। तो देखिए वर्ल्ड मार्केट के जो डेटा है, आप investing.com साइट के ऊपर जाकर देख सकते हैं। देखिए नैसडेक, डाउ जोन्स, जितने सारे आप इंडेक्सेस देखेंगे, सारे के सारे पॉजिटिव में था पिछले दिनों में, ऐसे नहीं कि नेगेटिव में था। हाँ, आज के दिन देखिए यहाँ पे डेक्स जो है, अभी मार्केट ओपन हुआ है, 1 बज गया, तो मार्केट ओपन हुआ तो 1 बजे में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव पॉइंट्स थोड़ा सा आया, तो उतना ज़्यादा नहीं है। प्रेशर तो है, क्योंकि इंडियन मार्केट में प्रेशर है, तो ऑब्वियसली बाकी मार्केट में प्रेशर तो रहेगा ही। फिर भी देखिए आप चाइना का मार्केट में, जापान का मार्केट दिखा दूँ, तो छोटा मोटा करेक्शन था, छोटा मोटा करेक्शन। और अब सिंघाई चाइना A50 DJ सिंघाई, ये जो चाइना का इंडाइसिस है, वो देखेंगे तो छोटा मोटा यहाँ पे करेक्शन था। तो मैं जरूर कहूंगा आप, आज इंडियन मार्केट में कोई नेगेटिव ऐसे इंपैक्ट नहीं था, सिर्फ एक लेवल था, उस लेवल को तोड़ नहीं पाया, तो इस लेवल से बहुत ज़्यादा सेलिंग आपको देखने को मिलेगा। तो आज के दिन आप अगर लास्ट में मतलब ट्रेडिंग खत्म होने के बाद अगर आप DIS और FIS का रिपोर्ट देखेंगे, तो ऑब्वियसली आज का दिन आपको FIS में बहुत ज़्यादा सेलिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि FIS और DIS इंस्टीट्यूशन इस तरीके से टाइम में बहुत ज़्यादा सेल आउट करते हैं। तो इसी के कारण आज के दिन मार्केट गिरा। तो इसमें आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, जितने सारे इन्वेस्टर है उसके लिए कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है कि चलो मार्केट फिर से मतलब यहाँ से ही गिरेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तो मार्केट थोड़ा सा रीबैक कर सकते हैं, तो आपको चिंता करने का, घबराने का कोई भी जरूरत नहीं। आप एज ए इन्वेस्टर है तो लॉन्ग टर्म विजन के लिए सोचिए, शॉर्ट टर्म में इस तरीके से चलते रहते अप्स एंड डाउन। तो आपको मैं जरूर कहूँगा, आप मेरे इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो लाइक करना, कमेंट करना, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना, और चैनल को तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ, और टेक्निकल चार्ट पैटर्न आज के दिन का तो एक छोटा सा डेमो दिखाया था, मैं टोटली टोटली टेक्निकल चार्ट पैटर्न आपको सिखाने वाला हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके और नेक्स्ट जानकारी लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।